बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद जॉय। आज फिर से हाजिर है एक और रेसिपी के साथ। बहुत ही क्विक और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसको ऐसा टी स्नैक ले सकते हैं, आप इसे रेनी वेदर में इंजॉय कर सकते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए इस रेसिपी के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। चार हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए, जिसे हमने ट्राइंगल शेप में कट कर लिया। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। एक सॉल्ट इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें चिकन पाउडर लिया है, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत सूखा धनिया लिया है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें फ्रेश धनिया लिया है। 1 अपने इसमें हरी मिर्च ली, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स लिए हैं। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे बेसन, फिर डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, आप डालें चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। धनिया, आप चाहें तो इसमें थोड़े से प्याज भी काट कर बारीक बारीक डाल सकते हैं। साबुत ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और स्पाइसेस अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत सूखा धनिया, सॉल्ट और चिकन पाउडर। अब इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे हम, और एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालना हमने। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है हमारा बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, बस नॉर्मल है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। इसे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो चलें अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम एक एक स्लाइस लेंगे और इस तरह से बैटर में डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है इसे हमने, इस तरह से ऐसे ऑयल में डालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में, बस इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर हम इसे दूसरी साइड से टर्न करके फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। आप इसे शाम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बारिश में इंजॉय कर सकते हैं। कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं फूड कलर डालने से। जब इस साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें टर्न कर देंगे। तो चलो हम इसका साइड चेंज करते हैं। देख सकते हैं इस साइड से कितना प्यारा कलर आ गया इस पर, कितने फ्लफी फ्लफी से बने हैं। ऐसे भी कलर आएगा तो बस फिर तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा। तो चलें आप दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप दूसरी साइड से भी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया, देख सकते हैं। तो चलें इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने ज़बरदस्त हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए हैं। इसी तरह से बाकी बच्चे भी फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको डिप नहीं करना वरना ब्रेड टूट भी सकती है, और बहुत हैवी कोटिंग भी नहीं करनी हमने, बस इस तरह से नॉर्मल कोटिंग करेंगे। इन्हें भी दोनों साइड से इस तरह से फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले फ्राई किए हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेट में।
तो देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।